हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गीत एडुटॉक पर। और मैं यहाँ लेके आई हूँ आपके लिए मैथ्स फंडामेंटल सीरीज, जिसमें मेरा टॉपिक है दशमलव और इसका उपसंबोध है। जो सब टॉपिक्स हैं, मतलब दशमलव के अंदर क्या कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, तो दशमलव संख्याओं का भिन्न रूप, दशमलव की तुलना। और ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है, स्ट्रिक्टली एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के हैं, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को बहुत फॉलो करती हूँ। और मैं आप लोगों को भी एडवाइस करूंगी कि आप एनसीईआरटी को जरूर देखिए, उसमें चीज़ें जो दी गई हैं वो कंसेप्चुअली दी गई हैं, ठीक है। एक सीक्वेंस है उनमें, और आपकी एक मैथ्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको एप्लीकेशन बेस्ड बनाती है, स्किल बेस्ड बनाती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा ये पहला टॉपिक है, दशमलव संख्याओं को लघुत्तम रूप में, लघुत्तम भिन्न रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0.6 लिखा हुआ है, ये एक दशमलव संख्या है, मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। तो जैसे ये 0.6 है, तो इसको मैं लिखूंगी 6/10। मैंने 6/10 क्यों लिखा, बिकॉज ये 0.6 पॉइंट के बाद ये आपका, जैसे इधर तो यूनिट और टेंस सिकायदा सैकड़ा चलता है, इधर शतांश और दशांश चलता है, तो 6/10, ठीक है। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.6 लिखा हुआ है तो आपने पॉइंट हटाया और ये इस तरह से 1 बढ़ा दिया। मैं दोनों मेथड बता रही हूँ आपको, 2 3 6 और 2 5 जा तो 3/5, ठीक है। और अगर मैं एनसीईआरटी से बोलूँ तो ये 6/10 कैसे आए, क्योंकि ये आपका दशांश होता है। ओके, तो ये आपका 2 से कट जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 2 3 6 और 2 5 10। ओके, अब दूसरा देख लेते हैं आपका 2.5। मैंने ये वीडियो एक्चुअली यहाँ बनाया था आपके लिए, बट ये वीडियो में एक्चुअली प्रॉब्लम आया, मैं दोबारा बना रही हूँ उसको। तो 2.5 देख लीजिए इसको। अब इसके यहाँ पर ये है, तो इसको हम कैसे यूज कैसे करेंगे, 2 + 5/10 इस तरह से। तो ये 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो ये जाएगा 2 1/2। इसका अल्टरनेट मेथड भी बता देती हूँ मैं। जैसे 2.5 अगर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाते ही 1 लगा देंगे, उसके बाद 0 लगा देंगे, तो जाएगा 5 5 = 25, 5 2 = 10, और ये 5/2 आ गया। अभी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 2 2 = 4 और 1/2, ठीक है। दूसरा ये हो गया। अब थर्ड देख लेते हैं इसका, 3.8, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 8/10, तो जगह 2 4 = 8, 2 5 = 10, तो जगह 3 4/5। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको इसमें। अब दूसरा मेथड बता देती हूँ मैं कि 3.8 है, जैसे आपने पॉइंट हटाया वहाँ 1 लिख दिया और ये 0 बढ़ा दिया। अभी किससे कटेगा, 2 से, 2 1 = 2 और 2 9 = 18 और 2 5 = 10, तो ये जाएगा 5 3 = 4/5। आपको आता है उचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना, प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना, आपको आता है। फोर्थ है इसका 21.2, तो इसको लिखेंगे 21 + 2/10। इवन आपको इसमें लग रहा होगा इसमें टाइम कम लग रहा है, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 1/5। इसको और दूसरी तरह से लिख सकते हैं हम, 21.2 नीचे हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 5 = 10। अब कटेगा ये, नहीं कटेगा, तो 106/5 हो जाएगा, तो जाएगा 5 2 = 10, 5 1 = 5 और ये 1/5। ओके, और नेक्स्ट है आपका 2.34, तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 + 34/100, नो प्रॉब्लम, तो ये जगह 2 + इसको कट कर दो, 2 7 = 2 50, तो 17/50। इसी का अल्टरनेट मेथड है 2.34/100, तो ये हो जाएगा आपका 100 2 जा, ठीक है, और उसके बाद आपका बचेगा 34/100। अभी आप इसको और कट कर सकते थे, 17/50 कर देंगे, ठीक है, तो जाएगा 2 17/50। बेटा मैथ्स के वो हैं, आप इसमें खूब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। 0.342, ये आपको, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको 6 7 8 की अलग अलग बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका समझ लो 6 7 8 तीनों क्लासेस का रिवाइज हो रहा है, क्योंकि मैंने जो ये फंडामेंटल सीरीज बनाई है, ये मेरा बेसिकली ये है कि आपका टाइम बचे और आप तीनों की एनसीईआरटी को एक आप एज अ उसका निचोड़ पढ़ लें, उसका एसेंस देख लें कि उसमें है क्या एक्चुअल में। तो मैं इसलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जो बच्चे 9th में हैं वो पिछला रिवीजन करना, उनको कई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, कुछ बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ लोग NTSC की प्रिपरेशन कर रहे होते, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इस तरह सारी बुक्स को लेके बैठें। तो अगर आप मैथ्स फंडामेंटल मेरे ये सीरीज देख लेंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। 2 7 = 2 1 = 2, 2 5 = 10,
ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। सेम यही इसी में तो सेम ही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अभी आगे नहीं कटेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और कुछ अगर कुछ अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका सेकंड ले जाती हूँ, आपको दूसरी तरफ ले जाती हूँ, दशमलव की तुलना। इसमें सेकंड टॉप पॉइंट है दशमलव की तुलना। ये बिल्कुल मैं वो चीज़ें करा रही हूँ बेटा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे इलेवन ट्वेल्थ में हो, जो आपको मैथ्स में फंडामेंटल बिल्कुल आने चाहिए। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो बड़ी संख्या के बारे में बताना है आपको, तुलना करनी है इनमें। अब वन बड़ा है कि 0.9, तो देखो ये क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, होल नंबर है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, ये तो उसका पार्ट है, आंशिक भाग है। अब देखो 1.09, सबसे पहले देखते हैं पूर्ण भाग, पूर्ण भाग 1 है, इसका भी 1 है, तो ये बराबर है। ठीक है, पॉइंट लग गया। अब 0 भी बराबर है, 0 भी बराबर है। अब ये 9 है, 9 है। अब इसके बाद यहाँ कौन है, कोई नहीं है यहाँ पर, लेकिन 3 है, तो ये बड़ा हो गया। अब 0.3, 0.4 में कौन बड़ा है, 0.4। ठीक है, उसके बाद 0.5 और 0.05 में कौन बड़ा है, 0.5 देखो, और ये पॉइंट के पास 0 है, तो कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। अब इन दोनों में 0.3, 0.3, 0.3, 0.0, ये दोनों बराबर हैं, यानी पॉइंट के बाद अगर 0.0 लगता है तो उसका कोई भी महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, और मैं आपको बहुत जल्दी एक इनविजिबल मैथ्स करके शुरू करने वाली हूँ, तो उसमें आपको क्लियर होगा। 1.5, 1.50, ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि इसको 50 पढ़ते हैं, 50 नहीं है ये। ठीक है, 50 है ये। उसके बाद इन दोनों में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है, 0.1 बड़ा है, बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 5.64, 5.6 तो सेम है, 6 भी सेम है, और ये 4 है और ये 0 है, तो ये 4 बड़ा होगा। तो ये हमेशा ये कंपेयर करो, ये लास्ट के जो है ना, ये टेंस और हंड्रेड्स जो हैं, ये है ना, और शतांश और दशांश, इनको कंपेयर करो कि कौन इसमें बिग है, हु इज़ बिगर। अब 1 है, 1 है, 4 है, 4 है, 3, 9, तो 9 आ गया, तो ये बड़ा हो गया। 0.0 है और ये 1 है, ये बड़ा हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। 1, 1, 2, 2, अभी 3 आ गया, तो ये बिगर हो गया। 6, 6, 1, 1, ये 2 है, ये 3 है, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, बहुत मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चंस करने में। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं आपसे, वहाँ पर मैं आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी, तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।